दिल्ली न्याय के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के दर पर गुहार लगाने पर भी नहीं मिल रहा पीड़ित को इंसाफ। जिला उत्तर पूर्व थाना दयालपुली क्षेत्र निवासी फौजीराम मुस्तफाबाद में पिछले 20 वर्षों से आयुर्वेद चिकित्सक का कार्य कर रहे हैं। बीते 14 जून 2021 को इसी थाना क्षेत्र में रहने वाले अपराधी प्रवर्ती के शकील ने हत्या करने के इरादे से फ्रूटी और रसगुल्ले में अत्यधिक जहरीला पदार्थ मिलाकर फौजीराम को खिलाया। पीड़ित 10 दिन तक हॉस्पिटल के वेंटिलेटर पर मौत से जंग जीत कर अपने परिवार में सकुशल वापस आया। पीड़ित का परिवार दोषी पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए 26 जून से थाना दयालपुर के चक्कर काटने के साथ साथ आला अधिकारियों के दर पर फरियाद किया है। उसके बाद अभी तक अपराधी के नाम FIR दर्ज नहीं हुआ और अपराधी खुलेआम घूम रहा है। देखना है कि पीड़ित को न्याय के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा। दैनिक दिल्ली न्यूज के लिए दिल्ली से कपिल ढाका की रिपोर्ट। देखिए, एक परिवार एक माह से दौड़ रहा है न्याय के लिए, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा। उन्हें प्रशासन के लिए इतने चक्कर लगा चुके हैं कि प्रशासन उनका साथ देने को तैयार नहीं है। सुनिए अब बीती पीड़ित के साथ। क्या नाम है आपका? आपके साथ क्या घटना हुई? मेरे साथ मुझे दुकान में जहर दिया गया। किसने दिया आपको जहर? सचिन नाम का व्यक्ति है, उसने मुझे जहर दिया। उसके आपसे कोई दुश्मनी? मेरी कोई दुश्मनी नहीं सर, कोई लेना देना नहीं, ऐसे देखिए भोजीराम जी का कहना है कि पुलिस प्रशासन का कहना है कि हम उसको अरेस्ट करेंगे, लेकिन अपराधी आज भी खुलेआम घूम रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन को साथ नहीं दे रहे हैं। कभी कहते हैं आइए छुट्टी पे है, कभी कहते हैं इसने ऐसा नहीं किया है। ये न्याय के लिए परिवार एक माह से कम से कम एक माह हो गया भटक रहे हैं, कोई भी इनकी सुनवाई नहीं रही है। आप देख रहे हैं दैनिक दिल्ली न्यूज।